प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन किसान सभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन दिया। रैली निकालते हुए विधानसभा की ओर जा रहे किसान सभा के सदस्यों को पुलिस द्वारा जोरावर स्टेडियम में ही रोक दिया गया। सभा के सदस्यों ने विधानसभा में FRA पर चर्चा करने की मांग की। इसके साथ ही वन अधिकार कानून को भी लागू करने की मांग की। किसान सभा के अध्यक्ष अक्षय जसरोटिया ने इस संदर्भ में कहा कि वन कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और उस समय उन्होंने भी लोगों को वन अधिकार दिए थे, लेकिन आज की सरकार अंग्रेजों से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के साथ धोखा किया गया है। वन अधिकारों के नाम पर उन्हें ठग लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके वन अधिकारों से वंचित कर उन्हें बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सरकार और विपक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो किसान सभा अपना आंदोलन और तेज करेगी और सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। कोई नहीं कर सकते। हम ये बात करना चाहते हैं कि जब अंग्रेज भी देश में आए थे, अंग्रेजों ने वन विभाग बनाया था। वो वन विभाग इसलिए बनाया था क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए थे, यहाँ के साधन चाहिए थे, फिर भी उन्होंने लोगों को अधिकार दिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि ऐसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने भी उनके अधिकार कायम किए थे, पर ये जो प्रशासन है, ये जो सरकारें हैं, ये अंग्रेजों से भी बदतर कर रही है काम। इन्होंने उनको शून्य दावे किए, हर पंचायतों से, मंडी से, चंबा से। हमारे घुमंतू पशुपालक हैं जो सदियों से अंग्रेजों के समय से पहले से जंगलों में रहते हैं। तो हम इस प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं कि भाइयों, देशभक्तों, कि ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, कि अंग्रेजों ने भी लोगों को हक दिए थे और आप जो है उनको बेदखल करने कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस निकम्मी प्रशासन को, सरकार को। आज हम बोलना चाहते हैं कि ये हमारी संख्या पे नहीं जाए कि कितने लोग आए हैं, हम इनको आगाह करने आए हैं। आज हमने यहाँ पे घेराव की बात नहीं की है, हमने यहाँ धरने की बात की है कि आपके पास 4 साल का समय बचा है। अगर आपने वन अधिकार कानून के तहत कार्रवाई नहीं की तो आने वाले टाइम में ये जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा धरना हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको हमें अलोकतांत्रिक भी करना पड़ सकता है। हमें प्रशासन का घेराव करना पड़ सकता है, हमें बचा बचा घर से निकालना पड़ सकता है। तो हम ये मांग करने आए आज कि विधानसभा में जो प्रश्न लगा है और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि वन अधिकार कानून को जो जिला प्रशासन है, जो कमेटियां हैं, वो पूर्ण रूप से लागू करें। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि आज हम वहाँ पे मिलने जाए विधानसभा में। अगर हमें रोका गया तो यहाँ जोर जबरदस्ती हो सकती है। आज हम प्रशासन से, पुलिस से सहयोग की मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए। ये इस मांग से आज हम स्टेडियम में आए हैं। आज हम भारी संख्या में इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि आज हम घेराव की चेतावनी नहीं लेने आए हैं। आज हम सिंपल अपनी बात करने आए हैं, एक मेमोरेंडम है वो देने आज हम विधानसभा परिसर में आए हैं, जिसमें जिला चंबा के, कांगड़ा के, मंडी के, कुल्लू के, लाहौल स्पीति के और किन्नौर के लोग जो शामिल हुए हैं, और हम शांतिपूर्ण तरीके से आज अपनी बात रखेंगे। इसी के लिए आज हम यहाँ जोरावर स्टेडियम है, जो विधानसभा परिसर है, उसमें आए हैं जी। धन्यवाद।